अरे अडकली की निघणार नाही काय कर भाव आले आमचा भाई खतरनाक आई है तो आपको तो पता है अपन काका संगम रा न बोलता त्याला राखी गाडी अशी ग्रीन हाउस बोलते उसको व्हाइट में है बट ग्रीन में रहता तो नॉर्मली इसके लिए उसको ग्रीन हाउस बोलते रान बोलता था यार रान मतलब आप लोग खेतों खेत बोलोगे जो बोलना है बोलो आप हम मराठी में तो रान बोलते वावार खेत 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 हिंदी हो गया खेत ऐसा कुछ सिनेरियो अभी यहाँ से कहाँ जाना है वो नहीं पता मेरे को अभी किसी को तो पूछना पड़ेगा यहाँ पे काका संगमनेरला जायचंय सर हाँ तो सरळच जायचं इथं हायवे सोडूच नका म्हणले ते मला मग नाहीच सोडायचं होतं मला केवढा मोठा जॅम आहे यो अभी 190 किलोमीटर कर दिए अपन ने अभी भी अपने को 30-40 किलोमीटर जाना है 30 पकड़ लो मोटा मोटा 40 नहीं भूलेगा 30 ही बिल्कुल अपनी गाड़ी ऑफ रोडर नहीं है पर फिर भी मचा रही है भाई ऑफ रोडिंग में भाई की हिमालय को भाई टफ दे रही है जोक नहीं भाई वो मस्त जा रही है उसको कुछ इशू नहीं हो रहा अपने को बहुत इशू हो रहा है देखना पड़ रहा है लग रहा है कि नहीं टक 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 तो वही अपने को थोड़ा संभाल के देखना पड़ता है ये कौन सा हाईवे है भाई अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे पूरा इसका काम हो रहा है भाई थोड़ा आगे जाके रास्ता इजी हाँ है लगता है बारिश के कारण ही इसका हाल ये हुआ है आगे क्योंकि बीच बीच में जो पैचेस है ना तब ये भाई बीच बीच में सब गंदा कर दिए रोड कच्चा माल अच्छा नहीं यूज़ करते तब होता है ये प्रॉब्लम बट कुछ भी बोलो भाई गांव के साइड आके ना भाई ये जो सीनरी है ना ये और अपना हिमालय भाई और ये ग्रीनरी भाई किधर नहीं और इसका मुकाम कोई कुछ नहीं कर सकता कितना भी लग जाए तो कुछ भी बना दो जो ये है वो है भाई है वो है कुछ भी बोलो और लोग डिसएग्री करेंगे ये करेंगे मेरे को ये बोलेंगे बट भाई जो ये है वो है भाई क्या बोलते हो चलो आई एम सो हैप्पी मैन असं वाटतं यार म्हणजे जे घरी जायचं ते पण असं वाटतं अजून चालत जावं मस्त ह्या नजाराचा अनुभव घ्यावा चला आगे 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 ये देखो ना भाई ये देखो ये पूल बनाया है तो क्या मस्त दिख रहा है भाई यहाँ तक पूरा ऐसा यहाँ पे टोल बना रहे नया वाला और ये पूरा ऐसा भाई सही है वहाँ पे भी टोल है यहाँ पे भी टोल कितना टोल देने का तो क्या हाईवे लग रहा है भाई ऊपर से ऊपर बादल भाई खतरनाक और यहाँ से मुंबई के लिए जाना है अभी मुंबई से आए हम लोग हमको जाना है बाइक के घर हम नहीं जाएंगे मुंबई ये लोग मुंबई क्यों पीछ रहे हमको ये नहीं चाहते कि हम लोग हमारे भाई के घर जाएं मुंबई क्यों मुंबई के लिए इधर चढ़ना है ओके वैसा है क्या यू टर्न दो ब्रिज बना है सही भाई बस इसमें खड्डे ना हो पूरा काम चालू है देखो इधर भी टोल का कुछ बनाया लगता है कितना बना रहेंगे भाई क्या चालू इतना आप लोग खेत ही खेत पूरा ऐसा प्लेन ग्रीनरी मैन
मौसम लग रहा है, और बीच में एक रास्ता है, वो रास्ते पे से जाओगे ना आप गाड़ी लेके जाओ या फिर चल के जाओगे, इतना ऑसम फीलिंग आएगा ना आपको पता नहीं सकता मैं। और आगे अपना चौथा टोल, और आगे चौथा टोल है और अपन नासिक में थे साई के दरबार पहुँच चुके अपन। चलो मेरे टोल नहीं है, मुझे लगा टोल है, टोल नहीं है, ऐसे ही बना के रखा है वेलकम टू नासिक ऐसा कुछ तो दिखा रहेगा। भाई पुल मचा रहे हमारे भाई को ना GSA 1250 चाहिए, नहीं तो टाइगर प्राइम टाइगर। इन वाला भी छोटी लग रही है, भाई का हाइट ज़्यादा है ना उसकी वजह से, अपने को भाई बहुत बड़ी है वाला है, अपना हाइट छोटा है, देखो एक के पास कम हाइट एक के पास बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे करेंगे भगवान थोड़ा हाइट मेरे को दे देते और उसका थोड़ा कम कर देते उसको ये गाड़ी में सूट हो जाती है। सूट तो हो रही है बट जो फोल्डिंग में बैठे हैं ना उसमें लग रहा है कि वो उसका हाइट बड़ा है, ऐसा सीन है देखते। और भाई ग्लव्स के बारे में बताओ तो भाई सुपर कंफर्टेबल, मतलब भीग गए ना तो भी कुछ इशू नहीं हो रहा था, सूख भी गए, देखो भीगा था पूरा पानी पानी था इसमें वही सूख गए दोनों के दोनों, और कुछ इशू नहीं है सब बढ़िया है, बस आपको कंफर्टेबल करने के लिए आपको पहनना पड़ेगा चार पांच बार लॉन्ग राइड से पहले तो आप कंफर्टेबल हो जाओ। या मेरे को भी पहले दो तीन समझ में नहीं आ रहा बटन कैसे एक्सेस करूँ, समझ में नहीं आ रहा था, मतलब नॉर्मली ऐसे हाथ से करते हैं ना तो अलग रहता है और ग्लव्स डाल के कहते हैं ना तब वो अलग प्रेशर रहता है, कभी कभी मेरे से ये एक बार में छूट गया था पूरा। वाह क्या लोकेशन है यार, यहाँ पे क्या शूट हो सकता है प्रॉपर, बट अपने पास ड्रोन नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ड्रोन भी आ जाएगा और अच्छा कैमरा भी आ जाएगा, बस देरी है 1000 की क्योंकि 1 मिलियन तक जाना है अपने को। 200 चिल्ला रहा हो क्योंकि अभी बच चुकी है 243 और अपन ने चला लिया 204 किलोमीटर, 204 किलोमीटर चला लिए तो 200 तो बनता है भाई। हाँ 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 और भाई भी मचा रहे अपने हिमालय देखिए, सही में मुझे लगा नहीं था भाई इतना फटाफट कर पाएगा क्योंकि आदत नहीं होता ना, तो ये लॉन्ग राइड से ऊपर से ये इतना खड्डा भरा राइड है ना भाई, सच में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत खड्डा भरा है, मैंने बहुत राइड की है बट ये वाला बहुत सबसे ज़्यादा खड्डे इसी राइड में, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी राइड में हुई है, चार्जिंग की भी GoPro को भी सब दिक्कतें इसी राइड में हुई है, क्या बोलूँ मैं आपको। और 20 किलोमीटर जाने अपने को बोला था ना 220-230 किलोमीटर करना है, संगम ने अभी 220 उधर से उसका घर अंदर, तेरा घर जाएगा इसमें विजय, इतना दूर क्यों लिया साले। भाई अपना जाना तो बनता है, क्या बोलते हो जाना तो बनता है, देखो ऐसे हम लोग वेट कैरी करते हैं गाड़ी में बीच में। भाई आगे फिर से आगे भाई मचा रहे हो, अरे उसका थैली एक साइड भी जा रहा है वैसे ही साइड कुछ लगा डूब गया एक साइड पर, संगम नगर 19 सही है, पहुंच रहे अपन, चलो आगे मिलते हैं। तो आपको तो पता है अपन सुबह किसके लिए निकले थे, तो अपन नासिक में तो पहुंच चुके और यहाँ से अभी भी अपने को 20 किलोमीटर जाना है भाई का घर बाकी है, अपन ने 205-6 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके, 200 भाई लगी पड़ी है भाई, एक भाई पैर का हालत ये हो चुका है, मेरा भी पैर का हालत बहुत ख़राब हो चुका है भाई, क्या बताओ मैं, मतलब दिक्कत हो रही है भाई कमर के नीचे ना, ऐसा लग रहा है छः की नहीं सीट कंफर्टेबल उसका इशू नहीं बट जो कपड़ा विपड़े पहने हैं ना उसकी वजह से हो रहा है पूरा, कोई नहीं बाकी की ब्यूटी दिखाता हूँ मैं, गाड़ी दिखाता हूँ, एंजॉय दिस सिनेमैटिक। नी मैं तेरी हो गया तू मैनु रोण ना देवी, नी मैं तेरी हो गया तू मैनु रोण ना देवी, ए ना मेरी। और ये नजारे तो देखो भाई भाई कड़क, हाँ 50 रुपये 50 रुपये
भाई बट फोटो भारी आहे मात्र इकडे बघ. ओके ओके भारी लय भारी लय. सो गाइज इट्स 257 ऑलमोस्ट 3 बज चुके, 206 के चला लिए और अभी हमको 20 किलोमीटर और जाना है. तो चलो भाई भी रेडी अपन भी रेडी, लेट्स गो. अरे देखो चार्ज पे लगा के मैं शूट कर रहा हूँ, कितना मेहनत करना पड़ता है. तो ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, इसको सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब मेरे कुछ कर दो. ये कौन सा तरीका है आप बोलो कि भीख मांगने का, पर भाई क्या करे ऐसे. मात्रे अपन किती तास राइड केले माहिती आहे का, 10.5 तास. माझा हायेस्ट मी डायरेक्ट कंटिन्यू किती 16 तास चालवले कंटिन्यू न थांबता नॉन विदाउट स्टॉप. ठीक आहे चलो अभी वेट एन्जॉय, लेट्स गो बॉयज वी आर गोइंग. अभी भाई का घर यहाँ से 5 किलोमीटर पे. ओ भाई ओ माँ आमचा डॉन भाव आलाय आमचा, हात मिळो लांबूनच मिळो लांबूनच. अवतार बघा अवतार. ठीक आहे चलो जाऊया भावाच्या मागून. अरे आम्ही रस्ता इकडून दाखवतोय, आम्ही बोललो कुठून येणार तू, म्हणून बोललो इथेच थांब. भावा चड्डीवर आलायस तू? अरे आम्ही बरोबर आलो ना या रस्त्याने. अच्छा अरे आपण तो राईट घेतला ना, सरळ यायचं होतं. हा कळालं कळालं, ते कॉलेजच्या इथे थांबलो ना आपण पहिल्यांदा, तिथं आत नाही सरळ जायचो. अरे पण तिथं विचारायला कोणाला नाही, कसं विचारणार आम्ही. आणि मेन आहे ना तो सर्कल, तिथं काहीच नाही बोर्ड बीड. चला भाऊ भेटला आमचा भाऊ, आता सोबत जाऊ. चड्डीवर आलाय भाऊ आमचा, भाऊ आमचा आला चड्डीवर. मला एवढी कॉमेडी सुचते ना, आणि भूक पण लागली पोटात असं वळे वळे, मतलब काय बोलतो पेट नसताना असं रोल होऊन राहिले असं शिकवून राहते. लेट्स सी चड्डी वाले प्ले चार्जिंग ये हमारे साथ है भाई बट मर चुका है. आत्मा निकल गई उसकी लग रहा है. तीन यार भाई बहुत टाइम के बाद. अरे अभी थोड़ा आउट हो रहा हूँ, महीनों से हो रहा हूँ, इतने टाइम के बाद भाई से मिल गए. क्या करें इनके सामने में दिखाता नहीं अपन इमोशनल, उसका टच भी दिखा रहा हूँ वीडियो में, इनको देखेंगे तो पता चल जाए. क्या करें भाई अपना एक बार बॉन्ड बन जाता तो बच जाता है, लड़का और लड़की दो दोस्त वन टाइम दोस्त ऑलवेज दोस्त. मैं ना कि रोज हम लोग रोज बात भी नहीं कर रहे, साल में एक बार कुछ हुआ तो कुछ आया या तो भाई कैसा है काम रहेगा तो ऐसा, ऐसा नहीं कि रोज हम लोग ऐसा बात कर रहे भाई खूब. अरे का ये भाई देखो किधर लेके आया हमको खतरो के. मेरे को मेरे गाड़ी का टेंशन है. मेरा गाड़ी का टायर भाई तो एक टायर इधर जा रहा है दूसरा टायर उधर जा रहा है भाई मेरे गाड़ी का बहुत भाई स्लोश में मेरा गाड़ी चला ना भाई स्पीड मेरा गाड़ी ना पूरा ऐसा स्कीड हो रहा है भाई इधर उधर जा रहा है नागिन चल रही है भाई सच बताओ सच में यार भाई ये गाड़ी को कीचड़ में लेके जाना बहुत बेवकूफ़ी है पता नहीं मेरा क्या होने वाला है. अरे थांबू नका माझी अडकली की निघणार नाही नंतर सांग बाबा घरी गेले आओ भाई इधर मेरी लगी पड़ी है लोग रुक के बता रहे मेरा खेत इतना सब भाई का खेती है भाई बहुत यस. और यहाँ पे जानवर आते रात को शेर चीता सब आता है भाई तो थोड़ा इसने हमको रात को नहीं बुलाया, इसने दिन भर कभी भी आओ रात में मत आना, रात में कुछ हो गया तो जिम्मेदारी नहीं उसकी भाई. क्या आपको दिख रहा है पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा है सूरज दिख रहा है या नहीं भाई बहुत गंदा सूरज है भाई. फुल लद्दाख हो गया भाई लद्दाख इन वाटर 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 भाई. बट सच में भाई कीचड़ से बहुत डर लग रहा है मेरे को, जब से मेरा ये गाड़ी कीचड़ में जो हिला है ना भाई एक टाइम के लगा मेरे को भाई अभी अपना काम खत्म पैसा खत्म 25 खत्म. बट समहाउ
आई मैनेज टू सर्वाइव। भाई का घर भी कैसा, खेतों के अंदर पूरा फार्म, इसके लिए हमको उधर जाना पड़ेगा। उसमें कोई गाय भैंसे सब है इधर, पहले भी लेता हूँ भाई। मत रे यार मत अटका, गाड़ी आगे चल गाड़ी मत अटका। तू अटक गया तो मेरा क्या होगा भाई, तुम्हारा तो हिमालय मतलब हिमालय है। ओ शिट शिट भाई 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 भाई, पूरा क्रॉस पीछे भाई साहब। अरे माँ की भाई कैसे कर रहा हूँ, मेरे को पता। अरे बहन भाई मेरा आगे का टायर राइट में जा रहा है, पीछे का टायर लेफ्ट में जा रहा है। माँ कसम, मरते मरते बचाओ दोस्तों। भाई किधर यार, पूरा कीचड़ हो गया भाई। कीचड़ में मैं कभी गाड़ी लेके नहीं जाएगा। अभी तो भाई इतना वेट भी नहीं पीछे, जब मैं पैनियर वैनियर लगाएगा टॉप बॉक्स लगाएगा तो क्या होगा गाड़ी का भाई, मर जाएगा मेरा गाड़ी। सच में भाई ये गाड़ी कीचड़ के लिए नहीं बना है। सच में जो भी ये ब्लॉग देख रहा है, इनफील्ड रॉयल इनफील्ड इन मीडिया नॉट मेड फॉर कीचड़ दिस काइंड ऑफ रोड्स, मेड फॉर हाईवे सिटी और हाईवे, हाँ मेन रोड्स के लिए। भाई के फार्म वाले घर में फाइनली अरे बाबा फाइनली बाबा काय तो रस्ता आहे हो, माझी गाडी अशी अशी अशी। अरे तो टायर याच्यासाठी नाही आहे म्हणूनच स्लिप होते ती। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवा।